बड़ी खबर बिहार से भी आ रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन में जीतन राम मांझी और एनडीए के विधायक लगातार शामिल हैं। सदन के भीतर विधायक धरने पर बैठे हुए हैं और हालात को देखते हुए सदन में मार्शल बुला लिए गए। विधानसभा के बाहर भी विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। हाथों में पोस्टर्स लिए हुए बिहार में विपक्ष के विधायक लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरह का बयान सदन में नीतीश कुमार की ओर से दिया गया, उसे लेकर विरोध प्रदर्शन सदन से लेकर सड़क तक लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार के सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है और इस वक्त भी सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। जीतन राम मांझी को लेकर के इसके बाद जिस तरह का बयान दिया गया है, जीतन राम मांझी अपने कुछ और साथी विधायकों के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीए के विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं और ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या हो रहा है बिहार की सियासत में और अब इतना बड़ा विरोध, दरअसल वजह क्या है? बिल्कुल, एक सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर बीजेपी के तमाम विधायक एक बार फिर से सदन के अंदर जोरदार हंगामा कर रहे थे और अभी वो बाहर निकल आए हैं। 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल नीतीश कुमार ने कल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर जो बयान दिया था और जिस तरह से जिस शब्दों का उपयोग किया गया था, उसको लेकर बीजेपी का विरोध है और यही वजह है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी यहां पर बीजेपी के और विपक्ष के तमाम जो विधायक थे वो यहां पर खड़ा होकर हंगामा कर रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष के गेट पर वो लोग बैठ गए थे। तो उसके बाद अभी जब कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे तो जोरदार हंगामे के बाद एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है और यहां पर बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं एक बार फिर से पोर्टिको के नीचे जो सीढ़ी बना हुआ है ऊपर तक जाने के लिए वहां पर बैठ गए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं उनका यह मानना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और शायद यही वजह है कि पहले उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी पड़ी थी और अभी जब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई है तो हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। नीतीश कुमार ने कल जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर लगातार हंगामा जारी है। तो यहाँ सदन में चाहे वो बाहर की बात करें या फिर अंदर की बात करें, यानी सदन से लेकर के सड़क तक विरोध प्रदर्शन नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार जारी है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया।